ऊपर ऊपर भी तो हेलो दोस्तों, मैं विक्रम एक बार फिर से साथी हूँ। अभी जो है कि ये है प्रज्ञा, हमारे घर के बच्चे दोस्तों, और ये अभी 12:30 बजे स्कूल से आई है और ये अपने दादी के साथ डेरे पे आ गई। और यहाँ पे कोई दोस्तों बिग साइज का कोई सांप या कोई अन्य जानवर जो कि मान बना रहा था, सांप तो मान नहीं बनाता ये तो मुझे पक्का क्लियर है, और यही देखी है और दादी से बताई, फिर दादी ने इसको दौड़ते हुए भेजा धूप में और ये घर से मैं सोया हुआ था और ये तुरंत जगा के मुझे ले आई है। और चलिए दोस्तों उसकी पुष्टि करते हैं कि आखिर वो जानवर कौन सा है जो कि उसके अंदर छिपा हुआ है। तो सबसे पहले आइए उस मान को दिखाते हैं। साथियों जैसा कि आप ये देख सकते हैं यहाँ से घारी बनी हुई है, देखिए ऐसे, और कोई जानवर इसमें घुसा हुआ है, देख सकते हैं ऐसे घारी भी बनी हुई है और यही बच्ची जो कि देखी है। और चलिए इसको हम खुदाई करते हैं और इसे निकालते हैं और इसका सच का पता लगाते हैं आखिर ये जानवर कौन सा है। दोस्तों यहीं पे वो कुछ कर रहा था या फिर मान बना रहा हो, चाहे जो कुछ कर रहा हो, इसी के अंदर वो छिपा हुआ है, तो उसे निकालते हैं। प्रज्ञा का इसी में घुसा है, दिखाओ कहाँ है, कहाँ देखी थी तुम, कहाँ दिखाओ बता दो, यहीं पे देखी थी तुम। चलो आइए दोस्तों निकालते हैं। दोस्तों अभी जो है कि कुदाल आ चुकी है और दोस्तों हमारा जो डेरा है ये काफी खेत खलियान वाला इलाका है और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और गायें यहाँ हमारी रहती है, इसी वजह से कई सारे जहरीले जानवर भी आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा ठंडक महसूस होता है क्योंकि धूप है और मौसम में काफी गर्माहट है और ठंड लेने के लिए दोस्तों ये हमारे डेरे के अंदर आ जाते हैं। और देखिए इसमें मान बनाया हुआ है, चलिए निकालते हैं इसको। दोस्तों अभी जो है कि मैंने सेफ्टी भी नहीं रखा अपना क्योंकि मैं तुरंत भागते भागते आ गया और चलिए देखते हैं इसमें छिपा के। माँ एक डंडा ले आइए। दोस्तों काफी मान अंदर तक है और पास से लीजिए। दोस्तों मान कई सारा है यहाँ पे, पोनिया राइट सबसे बढ़िया रहा लाइन बा हो लाइन बा देखो घूमने मशीन कर दिया हमने, ये मान लिया है क्या मान लिया, ये डंडा दीजिए कुछ है हाँ इसी में है बिल्वो है। साथियों आप ये देख सकते हैं इसके अंदर कोई बिग साइज का बिल्वो है जिसे मॉनिटर लिजार्ड के नाम से जाना जाता है। और देखिए अभी ये काफी इसकी पकड़ मजबूत है। दोस्तों ऐसे भी आपके बच्चे भी जागरूक होने चाहिए क्योंकि देखिए जैसे प्रज्ञा ने बताया दादी यहाँ पे कोई बड़ा सा सांप है, और वैसे ही आप दोस्तों अपने बच्चों को जरूर शिक्षा दें। ऐसे ही दोस्तों एक जानकारी के लिए हम लोग आपके लिए वीडियो बनाते रहते हैं। छोड़
दोस्तों देख सकते हैं काफी खतरनाक दिखने वाली ये जानवर है, और जिसको लोग मानते हैं कि ये छू देगी और फूंक देगी तो ही इंसान की मौत हो जाएगी। और देख सकते हैं जैसा कि इधर आओ प्रज्ञा, इधर आओ, थोड़ा सा पकड़ो पकड़ो तो थोड़ा, अभी वो अंदर है दोस्तों, अभी जो है कि वो अंदर है। ताको इधर ताको, इस बच्चे को पकड़ा रहा हूँ। ये है वो प्रज्ञा जो कि अभी स्कूल से आई है और दादी के साथ ये डेरे पे आई और उसी वक्त इस खतरनाक जानवर को देख ली। अभी देखिए, और थोड़ा पकड़ो, कस से कस के पकड़ो, खींचो यहाँ से, बहुत भारी भी है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये हमारे घर की बच्ची भी काफी ट्रेंड है, और इसके लिए चलिए दोस्तों इसे निकालते हैं। अब काफी ताकत लगा रही है ये, छोड़ दो चाहिए हम। साथियों देख सकते हैं ये काफी खतरनाक है, और जिसे दोस्तों काफी खतरनाक लोग मानते हैं, लेकिन ये है नहीं दोस्तों, इसके अंदर जहर थोड़ा भी नहीं होता है। प्रज्ञा इधर आना दोस्तों। कोई भी जहरीला जीव किसी को भी अपने बचाव के लिए काटता है, ऐसे कोई नहीं काटता है। पकड़ो तो थोड़ा सा पकड़ना, छोड़ना मत दोस्तों। देख सकते हैं ये प्रज्ञा पकड़ी हुई है इसको, यानी कि कहीं ना कहीं इसके अंदर जहर नहीं होता है और ये डर भी रही है। और चलिए मैं इससे अब पकड़ता हूँ दोस्तों। काफी खतरनाक और खूंखार दिखने वाला ये जानवर दोस्तों, इसके अंदर जहर होता ही नहीं है, बस लोगों ने अफवाहें फैला रखी है कि इसके अंदर काफी जहर होता है, इसके फूंक देने से इंसान की मौत हो जाती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं है दोस्तों। और ये दोस्तों बिल्कुल ही नॉन वेनमस होती है, इसके अंदर कोई भी जहर नहीं हो पाया जाता है। अगर ये किसी को भी मॉनिटर लिजार्ड काट ले, ये बिल्गो के नाम से भी जाना जाता है, अगर ये किसी को भी काट ले तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक टिटनेस का इंजेक्शन ले, और इसके अलावा और कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं। देख सकते हैं इसकी चाल दोस्तों, और इसका शरीर का ढांचा बनावट डायनासोर की तरह दिखने वाला है। डायनासोर की तरह इसकी चमड़ी भी काफ़ी मजबूत होती है। देख सकते हैं कितना खतरनाक चाल, पूरे शरीर को दुमाते हुए यह चलता है, जीभ बार बार ये बाहर निकालता है साथियों। साथियों इस जानवर से डरने की कतई जरूरत नहीं है, ये कतई किसी को नुकसान नहीं चौपाता है, अगर ये नुकसान चौपाता तो हमें भी नुकसान चौपाता। थोड़ा सा आ जाइए, इधर आओ प्रज्ञा। साथियों ये हमारे घर की बिटिया है, जो हमारे बड़े भाई की बच्ची है, हमारी भतीजी है, और इसी ने ही इसे देखा था, और इसी के बताने के मुताबिक ही हम इसे अपने डेरे से रेस्क्यू किए हैं, और फिर इसे ले चल गए कहीं दूर, रिलीज भी किया जाएगा। आप ये देख सकते हैं साथियों, इसी के साथ आप अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि अक्सर मौतें झाड़ फूक तंत्र मंत्र के चक्कर में ही पड़ने से होती हैं। और दोस्तों मेरा बताने का मतलब ये नहीं है कि किसी आप धर्म को ना माने, धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है, और ज़्यादा अंधविश्वास के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। जब भी स्नेक बाइट हो, जब भी कोई जानवर काटे आपको, आप तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, फिजिशियन से सलाह लें, जाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं, अन्यथा आपकी जान नहीं बच सकती। इसी साथियों आप हमारे प्रज्ञा बिटिया के लिए क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका साहस और इसका सम्मान आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसी से दोस्तों अन्य बच्चों को भी काफ़ी जानकारी मिलेगी, उन्हें हौसला मिलेगा। दोस्तों नाच गाना बजाना तो YouTube पे बहुत सारे भरे पड़े हैं, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा अपने बच्चों को साहसी बनाना भी काफ़ी ज़रूरी है। थोड़ा सा मैं चाहूँगा प्रज्ञा एक बार और इसे पकड़े, पकड़ो कुछ पकड़े रहना कस के। दोस्तों ये देख सकते हैं अब इसके साथ ये भग चुकी है, और प्रज्ञा ने थोड़ी सी लापरवाही की और वो सीधा सीधा भग गई है। तब तक फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए